नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज, मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पति की पिटाई से घायल महिला ने तोड़ा दम। नवाबगंज पति की पिटाई से घायल हुई महिला बरेली के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवाहित के परिवार जनों में कोहराम मचा हुआ है। गुड़िया महिपा साहब, जिला कौन सा? जिला बरेली। जो मृतक हैं ये कौन है आप? हमारी लड़की है साहब। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। इनमें साहब आपस में झगड़ा हुआ था और इनने साहब पिटकुरा मार दिया पेट में। अभी छोटी मोटी बात थी। किसमें झगड़ा हुआ? लड़की में, दामाद में। दामाद का क्या नाम है? पति जब लड़का उनको लड़का का नाम गुड्डू है। इसका लड़की क्या नाम? सुशीला। शीला, शीला नाम है। शीला क्या हुआ? फिर इन्हें साहब भर्ती उर्ती कराओ, ऐसी जहाँ तहाँ इलाज कराते रहे और फिर संजीवनी में जो है तो इनको ऑपरेशन करवाओ। हमने जाएंगे पैसा वैसा हमने दिए और कल रात इनकी सुबह शाम जो है 4 बजे मृत्यु होगी बता रहे थे। हम फिर यहाँ लेके आए। शादी कितने दिन हो गए? शादी साहब हो गए हैं 5-6 साल। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं साहब। तो क्या लग रहा है आप? अब चला गया तो साहब आप क्या करें, हम बताओ, हम तो मजबूर हैं साहब। नहीं, इसके जो है कब मारा आपदा ईट? 15 तारीख ही शायद। 15 को इसकी ईट मारी। झगड़ा हुआ था आपस में? अरे कोई झगड़ा ना साहब, ये रोटी खा रही थी, एक रोटी खा ली थी और दूसरी रोटी में से एक थोड़ा तोड़ा था। फिर उन्होंने इसे धमकाया हटकाया तो अब उनकी मम्मी गई, उन्होंने जा कहा कि साहब ऐसा किसी मत कहना कि देखो तुम ईट मारी, ये कई जीना पैसे गिर पड़ी है। अच्छा, आपको कैसे मालूम कि अद्धा मारा है? अद्धा हमें इसलिए पता लगा, हमारी जो पास में ससुराल रहेगी तो हमारी चिचिया सास गई तो जो चोट भी उनने फोन नहीं करा था तो भाई बच्ची ने बताया था। हमें बच्ची ने कहा था नाना पापा ने हरामी है बहुत, उसने मम्मी के ईंट मार दी। अच्छा, मैं उनका भाई हूँ। मृतक का भाई हूँ मैं। जी क्या हुआ था? तो जो है इनमें आपस में झगड़ा हुआ था सुबह के टाइम और वो खाना खा रही थी जी। तो इनने अड्डा मारा था तो वो अड्डा जब पेट में लगा है तो हाथ में मतलब चोट आ गई, हाथ फट गई। फिर इन्होंने इधर उधर दिखाते रहे, पैसे के चक्कर में ऐसे ही टाला टूली करते रहे। हम लोगों ने डांटा सटकाया तब इन्होंने जो है संजीवनी सन सिटी में मतलब ऑपरेशन कराया कई दिनों के बाद, 6-7 दिनों के बाद तब ऑपरेशन हुआ परसों रात। तो ऑपरेशन के बाद फिर जो है कल फिर हमसे सही थी, नॉर्मल थी, बातचीत हुई कि अब चाय वाय देने लगे डॉक्टर साहब। तो जो है बोली कोई बात नहीं, अब हम सही हैं, अब तुम घर चले जाओ। तब हम घर आ गए। फिर रात में जो है तो मृत्यु हो गई। अच्छा, तहरीर जो आपने दी है उसमें क्या लिखा है? अब यही लिखवाया है हमने। पैसे ना मिलने पर लेखपाल ने वकील के पिता के मूल्य आय प्रमाण पत्र पर की रद्द। ये वकीलों ने SDM से मिलकर लेखपाल को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली पर वकीलों ने रजिस्ट्री अधिकारी का किया घेराव। यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला? सब रजिस्ट्रार महोदया के व्यवहार वैसे बहुत अच्छा है लेकिन जो कुछ खामियां नजर आई थी तो ज्यादा उस बात को लेकर के हम लोगों ने आगे भ्रष्टाचार था और भी कई ऐसे मुद्दे थे तो उन्होंने अपनी हमारी उनकी वार्तालाप केवल वार्तालाप के लिए हम लोग। विधवा महिला के निजी रास्ते पर गांव के कुछ लोगों ने जबरन गेट लगा दिया है। विधवा महिला ने थाने में तहरीर दी। जिला बरेली थाना क्षेत्र नवाबगंज के गांव छिरौला चौधरी की मीना देवी नवाबगंज कोतवाली पहुंचकर एक शिकायत पत्र दिया जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि निजी रास्ते में गांव के कुछ दबंग अपना गेट लगा दिया है जिससे उसका रास्ता बंद कर दिया है। महिला ने इसका विरोध किया तो वहीं उसे गंदी गंदी गालियां देकर धमकाने लगे।
एसीओ ने संविदा पर लगे कर्मचारियों के संबंध में जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पिछले काफ़ी समय से चाहिए रेल विभाग में संविदा कर्मचारी पर काम कर रहे लोग, उनका आरोप है कि उनको तनख्वाह का आधा रुपया दिया जाता है और पूरी पर साइन कराए जाते हैं, जिसको लेकर उन सभी कांग्रेस के बैनर पर गुरुवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसकी मांग की गई है कि जल्द ही इसका भुगतान कराया जाए। मेरा नाम राकेश सक्सेना, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और पूर्व अध्यक्ष युवा कांग्रेस। आज ऐसा ना हुआ कि ये हमारे लोग हैं संविदा कर्मचारी, रेलवे में किंग सिक्योरिटी कंपनी नाम से एक रेलवे ने ठेका लिया था 2017 में, तब से ये लोग उसमें कर्मचारी थे, लोग नौ सफाई कर्मचारी स्टेशन पे काम करते थे। 2017 से लेकर आज तक इनको 15,000 रुपये महीना गवर्नमेंट देती थी, और जबकि ये लोग दस्तखत कराते थे 7,500 रुपये इनको देते थे 7,200 रुपये, और 26 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, 27 दिन ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं को रिकॉर्ड में 6 दिन 7 दिन 8 दिन। इस तरह से इन लोगों के साथ लगातार भ्रष्टाचार से भुगते, जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो नौकरी निकालने की धमकी देते थे। इस बीच क्या हुआ, जब इन लोगों को अभी निकाला, निकालने के बाद आपने पूरा फंड इनका ईपीएफ सब पी गए, वो चार चार ड्यूटी के हिसाब से फंड बनाया 10-10-15, जबकि 2-2.5 लाख रुपए इनका, 3-3 लाख रुपए इनका फंड बनता है। और इसके विरोध में वहाँ के जो रेलवे के ऑफिसर हैं वो और सिक्योरिटी कंपनी के मालिक, इन सब ने मिलकर इन संविदा कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा फ्रॉड कराए, जिसके उसमें आज हम लोग धरने पर बैठे थे। और अगर ये मामला नहीं निपटता है तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पर और सड़कों पर उतर के कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई लड़ेगी। इनके सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में होगी, और अभी तो बड़े लीडर भी इसमें आने के उसमें हैं, अगर अगला धरना होगा तो बड़े लीडर भी कांग्रेस पार्टी के बरेली में आएंगे और इनकी लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। मकान के विवाद को लेकर एसएसपी से मिली पीड़िता। मकान बनाना लोगों का एक सपना होता है जो हर आदमी पूरा करना चाहता है, लेकिन पंजाबपुरा की रहने वाली पिंकी अपने मकान को लेकर दर दर भटक रही है। कई बार थाने पहुंची जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार को वो अपने पड़ोसी के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एसएसपी रोहित सचवाण को न्याय की गुहार लगाई। उसके बदले में हमें 75 गज मकान तय हुआ हमारा, लेकिन हमें 45 गज मिला है और हमारी बाकी रजिस्ट्री नहीं करी, ना हमें 1 रुपया दिया है। आप खाली करवा रहे हैं, कह रहे हैं मकान खाली कर दो, नहीं तो अच्छी बात नहीं हुई। तो काम जो रह गया है वो भी करवाने को राजी नहीं है। जो आपका जो पहला वाला मकान था वो कितने का बेचा था? 22 लाख का। और ये वाला कहाँ पर है आपका मकान? कितने? ये मिर्ची टोला में, थाना किला में। जी, तो आपको क्या उसका पैसा नहीं मिला था? नहीं, पैसा कुछ नहीं मिला था हमें। ये वाला मकान आपके नाम हो चुका है? जी, 45 गज हो चुका है, 75 गज तय हुआ था, और कुछ उसमें बनवाना रह गया था, समर से भी लगवाना था पानी का, और जो लैट्रिन बाथरूम बनवाना था वो कुछ भी नहीं लगा, टाइल वाइल कुछ लगने को तय हुई थी, वो कुछ नहीं करा है। आप पहले भी एसएसपी के साथ पेश हुए थे तो क्या मामला होता, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं हुई थी कोई कार्रवाई। आज आप आए हैं किस उम्मीद से आए? आज उम्मीद से तो यही आते हैं कि हमारा काम हो जाए, लेकिन हमारे कोई काम नहीं होता है। थाने में जाते हैं तो थाने में गाली गलौज करके भगा दिए जाते हैं। फीस के खिलाफ अभिभावक संघ ने गांधी उद्यान में किया प्रदर्शन। अनाज बांट सकते हैं तो शिक्षा जो एक बेसिक नीड है हमारी, जो बालकों को आवश्यक है, बालक बालिकाओं को शिक्षा से ही एक सुदृढ़ समाज का विकास होता है, उस पर अगर विराम लग गया या किसी तरीके से किसी को उधार लेके पैसे बच्चे की फीस देनी पड़ी तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कई लोग ऐसे हैं जिनको ब्याज पे पैसे लेने पड़ रहे हैं, ये बात हमसे छिपी हुई नहीं है। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि आप जो है अच्छे वर्ग से आते हैं, अच्छा वर्ग इस समय एक मुद्दा और है कि हम लोग 75 से 80% मार्क्स लेके आते हैं। फीस के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे अभिभावक संघ गुरुवार को गांधी उद्यान में प्रदर्शन किया। पिछले दिनों एकता नगर के एक होटल में बैठक की गई, जिसको लेकर आज अभिभावक संघ के साथ कुछ सामाजिक संगठन भी आए। तो वो किस तरीके से विद्यालय जाएंगे, उनको ये
ये मैसेज कैसे वहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे कि ऐसा कुछ उनके पास मोबाइल नहीं है जब तक आप जैसे वो कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो जाएगी जब मोबाइल नहीं है होगा तो इस तरीके से सरकार को और हमारे बीच में कुछ ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे कोई काम बुलंद करे आसानी से हो सके। लखनाथ मंडल के सिविल डिफेंस वार्डन की हुई मीटिंग। डिप्टी कलेक्टर अशोक गौतम ने विशिष्ट अतिथि के रूप में चीफ वार्डन राजीव शर्मा रहे। मीटिंग में कोरोना जैसी महामारी पर चर्चा की गई, साथ में सभी को निर्देशित किया गया। ऑफिस से आपको पोस्ट वाइज लिस्ट मिलेगी, हर एक वार्डन पोस्ट सेक्टर वाइज आप सत्यापन कर लें और सत्यापन में अगर कोई नहीं मिल रहा है, किसी भी कारण से नहीं मिल रहा है, पता अधूरा हो सकता है। कहना चाह रहे हैं कि आज जो हमारी स्टूडेंट्स की मीटिंग है अलकनाथ डिवीजन की, ये मंथली मीटिंग है और हर महीने हम इस तरह से मीटिंग आयोजित करते हैं और मीटिंग के माध्यम से हम कार्य समीक्षा करते हैं। कोई समस्या होती है तो उसमें विचार व्यक्त किया जाता है और हर तुम लोग कोशिश की जाती है कि हम सिविल डिफेंस की गतिविधियों को सक्रिय रखें और जैसा कि इस समय कोरोना का प्रभाव है, ऐसे में जनहित में हम उन लोगों को जागरूक कर सकें जो कोरोना के बारे में लापरवाह या उदासीनता बरतते हैं या इस समस्या को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन्हें हर तुम रोकने की कोशिश इन्हें हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? मैं राजीव शर्मा चीफ वार्डन सिविल डिफेंस हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अलकनाथ प्रभाग के जो आज यहाँ मीटिंग है और इस मीटिंग में हमारे जो वार्डन्स आए हुए हैं, उन्होंने कई एक ऐसे कृत्य करे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही ज़्यादा नाम वाले हैं, जिनका कि प्रशासन ने भी तारीफ करी है और हम भी इसके लिए एक इनको बधाई के ये लोग पात्र हैं, हम इन्हें बधाई देते हैं। जितना जहाँ जहाँ से उपनियंत्रक महोदय ने जो वहाँ से नियंत्रक महोदय द्वारा आदेश प्राप्त यहाँ दिए थे, उसको सारे सब चीज़ों को फॉलोअप कराना जो है वो काम था हमारा और हमारे यहाँ ये सारे सब लोगों ने करा है। और अब तक जो प्रबल समस्या चल रही थी वो एक कोरोना की चल रही थी। मैं कोरोना से हट के एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे सिविल डिफेंस वार्डन ने दो जगह फायर हुई थी, उस फायर में उनका इतना बड़ा योगदान था, जो कि एक कुमार टागी के पास में आदर्श मार्केट में हुई थी जो रात के 10 बजे लगी थी, जिसमें श्रीमती गीता शर्मा जी थी और ये भल्ला जी थे और इनके कई पोस्ट के लोग थे, मैं भी स्वयं विद्यमान था, अजय अग्रवाल जी थे, इनका एक बड़ा सहयोग रहा वहाँ पे एक लोगों को कंट्रोल करने में, जिसका कि पुलिस प्रशासन ने भी बड़ा धन्यवाद दिया है। दिल्ली में सभी इनर व्हील क्लबों ने लगाई सैनिटाइजर मशीन। इनर व्हील क्लब सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सभी क्लबों ने कोरोना काल में अपनी इच्छा के अनुसार लोगों की हर पल सहायता की है, आर्थिक मदद करता आया है। वही इनर व्हील क्लब कोरोना काल में सामाजिक सहायता में तत्पर आगे आया है। आज हम लोग आए हुए इनर व्हील के प्रोजेक्ट में, जॉइंट प्रोजेक्ट है ये, जिसमें कि हम सैनिटरी नैपकिन को सैनिटाइजर मशीन दे रहे हैं, सैनिटाइजर और क्या कहते हैं इसमें कितने क्लब से काफी क्लब से पार्टिसिपेट, 15-15 सारे बरेली के क्लब मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं सैनिटाइजर मशीन डोनेट करने का। ये कोविड की वजह से हमने ये डॉक्टर मीनू ने ये सोचा कि एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जो कोविड की महामारी में भी सक्सेस हो, तो आज हम सभी क्लब मिलकर सैनिटाइजर मशीन्स दे रहे हैं। हर क्लब ने दो दो मशीन्स ली हैं, जो छोटे छोटे जो मंदिर वगैरह हैं, नहीं मंदिरों में तो नहीं है, पोस्ट ऑफिस है या कहीं धर्मशालाएं हैं या जहां बहुत ज़रूरत है वहां हम इन मशीनों को लगवाएंगे, ऐसा हम सभी ने सोचा।